किराना क्षेत्र के गांव खंद्रावली में राशन डीलर गरीबों के राशन को डकारने में लगे हुए हैं। राशन डीलर राशन मांगने पर दबंगी दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला किराना क्षेत्र के गांव खंद्रावली का है, जहां से दर्जनों ग्रामीणों ने किराना तहसील में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर संपूर्ण समाधान दिवस में राशन डीलर के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि गाँव में स्थित राशन की दुकान ना तो किसी को राशन देती है और ना ही किसी से अच्छी तरह बात करते हैं। गाँव वालों ने बताया कि राशन डीलर राशन न देकर गाँव वालों पर दबंगई से पेश आते हैं और राशन देने से इनकार करते हैं, और वो राशन कभी कभी दे भी देता है तो 10 किलो अनाज पर 100-100 रुपए लेता है। गांव वालों ने बताया कि खंद्रावली गांव में पहले तो सस्ते गले की दुकान इंतजार नामक व्यक्ति के नाम से थी। इंतजार एक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में बीते दिनों जेल चला गया था। वहीं इंतजार ने भी कभी किसी को राशन ठीक तरीके से नहीं दिया था, जिसकी दुकान गाँव के ही एक दूसरे राशन डीलर कौशर अली की दुकान पर अटैच कर दी गई थी। मगर वक्त कौशर अली डीलर ने कुछ कार्ड धारकों को तो राशन दे दिया और कुछ कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया, जिसकी कार्ड धारकों ने शिकायत श्रीमान उप जिलाधिकारी को की थी, तो उसने दबंगी दिखाते हुए दुकान चलाने से मना कर दिया। और आज तक इंतजार डीलर कौशल डीलर ने मिट्टी का तेल गाँव वालों को नहीं दिया। गाँव वालों ने शिकायत पत्र देते हुए राशन डीलर इंतजार व कौशर अली की दुकानों की जाँच की मांग की और उनकी दुकान को निरस्त करने को कहा, और कहा कि जिसमें गांव में राशन की दुकान किसी निष्पक्ष डीलर को दिलाई जाए, अन्यथा किसी पात्र व्यक्ति के हक में राशन की दुकान का आवंटन कर महान गांव वालों ने कैराना तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत पत्र देते हुए मांग की। वहीं इस अवसर पर गांव के दर्जनों लोग उपस्थित रहे। अपना कोटा चाहे जी, हमारे बच्चे हैं, मजदूर आदमी हम कहाँ जी, पूरा पढ़ सकता है जी, महंगाई का जमाना आ रहा है जी, क्या करें बता, अपने बच्चों ने पढ़ा कि मजदूरी कर। शामनी से फुरकान जंग की रिपोर्ट।